सो हेलो गाइस, आज के स्टूडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि मुझे ऑल न्यू i20 के साथ क्या क्या एसेसरीज़ देखने को मिली कंपनी से और कितने पैसे लिए गए मुझसे इन सारी एसेसरीज़ के। तो चलो यार, यहाँ पे मैं इस वीडियो को बिना टाइम खराब करे स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या एसेसरीज़ पड़ी मेरे को और कितने रुपये की पड़ी। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज़ आप लोगों से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर जो मैंने किट ली थी Hyundai की, मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहली जो चीज़ मेरे को दी गई है वो यहाँ पर टेम्पल दिया गया है। मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, यहाँ पर अलग अलग सारे टेम्पल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी छोटा है यार। मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं होगी इसकी, बट यहाँ पे हमें ये किट के साथ देखने को मिल जाता है। अब सेकंड चीज़ की मैं आप लोगों से बात करता हूँ, यहाँ पर सेकंड चीज़ जो है वो यहाँ पर मैट है। सो यहाँ पर आप लोग ये मैट जो है वो ये मैट्स काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है इस टाइम पे, तो इसको आप इग्नोर कर देना। ये मैट्स देखने को मिल जाती हैं, हमें 5 मैट्स देखने को मिलती है। मैं आप लोगों को सारी मैट्स दिखा देता हूँ। ये को ड्राइवर साइड की मैट आ गई, ये यहाँ पर हमारे पास ड्राइवर साइड की मैट आ गई, इसमें LE i20 का लिखा हुआ है। ये पुरानी मैट्स हैं, जो पुरानी i20 है ये पक्का उनकी मैट्स हैं जो अभी हमें दी गई हैं किट के साथ, तो ये आपको सही से नहीं दिख रही होगी। सो ये आ गई हमारे पास, और फिर पीछे जो है हमारे पास 3 मैट्स आ जाती हैं। सो मैं आप लोगों को पीछे की भी मैट्स यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर एक मैट हमें ये देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मल है पीछे के लिए, ये बीच के लिए दे रखी है। यहाँ पर अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करूँ इन मैट्स की, तो क्वालिटी यार ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, मतलब आपको बाहर यार इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो चलो यार, मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या ये वर्थ है आप लोगों को लेनी चाहिए, तो इस बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ इस कवर के बारे में। सो ये हमें यहाँ पर कवर दिया गया है जिसकी क्वालिटी यार इतनी अच्छी नहीं है, और वाटरप्रूफ है ये कवर, तो ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ का ये कवर होगा। सो ये हमें कवर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों से कॉस्टिंग वगैरह के बारे में बात करूँ, तो ये मेरे को ऑलमोस्ट 6500 की पड़ी हैं जो सारा कुछ मेरे को पड़ा है, जो कि मुझे लगता है कि इतने का पड़ना नहीं चाहिए था। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि आप लोगों को ये किट वगैरह लेनी चाहिए इन लोगों से या नहीं लेनी चाहिए। सो मेरा यहाँ पर जवाब होगा, आपको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग सिंपल अपनी गाड़ी रखना चाहते हो, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करवाना चाहते हो, जैसे कि 70 मैट्स हो गई और ये सारा कुछ हो गया, या आगे जो है आप लोग कुछ और नहीं रखना चाहते हो, तो टेम्पल वगैरह आप अच्छा यहाँ वहाँ पर लगा सकते हो आफ्टर मार्केट जो आते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यार इस चीज़ के लिए तो वर्थ नहीं है। मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें अगर आप आफ्टर मार्केट भी लोगे तो 3-4 हज़ार रुपये की आप लोगों को मिल जाएंगी, तो मेरा यही रहेगा कि आप लोग मत लो। अब मैं अभी आप लोगों से बात करता हूँ कि पीछे हमें क्या क्या यहाँ पर दिया होता है i20 के साथ, और यहाँ पर देखते हैं स्पेयर व्हील इसका कैसा देखने को मिल जाता है हमें, और इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका बूट खोल लेता हूँ। यहाँ पर बूट में आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये हमें Hyundai की एक वो दे रखा है जो रेक्टेंगल होता है रेड कलर का। मैं आप लोगों को खोल के इसको दिखा देता हूँ ये क्या चीज़ है। सो ये अगर हमारी रास्ते में हाईवे वगैरह में गाड़ी ख़राब हो जाती है और अंधेरे के टाइम में काफ़ी ज़्यादा यार यूज़फुल रहता है। सो यहाँ पर मैं देखता हूँ इसको कैसे लगाना है, तो ये हमारे पास ऐसे इसको लगाने का दे रखा है। सो ये ऐसे लग जाता है और इसको हम यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, तो ये इसको हम ऐसे खड़ा कर सकते हैं जिससे कि जो भी पीछे से गाड़ी वगैरह आ रही होंगी उन लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है या स्टेपनी वगैरह चेंज हो रही है, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा यार यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो इसको अब साइड में रख देते हैं और अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो ये तो हो गई इसकी बात, इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं। अब देखते हैं कि इसके नीचे हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। सो ये जो है हमारा बिल्कुल अलग हो जाता है, ये निकल जाता है हमारे पास, ये पूरा हमें इसके नीचे कवरिंग दे रखी होती है अगर इस पर कोई चीज़ रखें तो। और ये यहाँ पर गत्ते का बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से टूट भी सकता है अगर आप कोई हैवी चीज़ रखोगे, अगर ये यहाँ पर शेप में अगर ले लेगी तो ये टूट भी सकता है मेरे हिसाब से। बट चलो, ये तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, टूट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे है। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें ये क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमें देखने को मिल रहा है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं इसको खोल के देखता हूँ तो यहाँ पर हमें जैक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है यार। अगर हमारी गाड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है तो हमें ये चेंज करने को मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ जैक दे रखा है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पर टायर खोलने का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि क्या दे रखा है इसके अंदर। सो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है हमें टायर खोलने के लिए। सो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है, इसका तो बहुत यूज़ है यार, मतलब जैक दे दोगे ये नहीं दोगे तो क्या ही बात हो जाएगी फिर। सो ये आ गया हमारे पास, देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। सो ये जैक के लिए, खोलने के लिए, बड़ा छोटा करने के लिए हमें दे रखा है। और बाकी यहाँ पर देखते हैं कि कोई चीज़ दे रखी है, जी हाँ दे रखी है। सो ये भी देख लेते हैं ये क्या चीज़ है यहाँ पर। सो ये निकल नहीं रहा है, अब आ गया। सो ये भी यहाँ पर हमें जैक में ही लगाने को देखने को मिल जाता है। सो ये 3 यहाँ पर हमारे पास ये टूल्स हो गए। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें कुछ और है या नहीं है। सो यहाँ पर अब बाकी तो कुछ और मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसको अब हम बंद कर लेते हैं और यहाँ पर जैक को वापस रख लेते हैं अपने। तो ये हमारा जैक जो है वापस मैंने रख दिया है।
सो एक अच्छी पैकेजिंग दे रखी है यार, इसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ये नीचे से खुल सकता है तो थोड़ा ध्यान से ही पकड़ना, बट हाँ खुल नहीं रहा है वैसे, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। सो इसको भी यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पर अपनी स्टेपनी देख लेते हैं, जो एक्स्ट्रा टायर दिया होता है कैसा दिया है वो, कैसा है, हम ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सो यहाँ पर हमें यार ये टायर जो है वो फिक्स देखने को मिल जाता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको खोल के दिखाता हूँ कि ये कैसे खुलेगा, कि ये कैसे, मैं यहाँ पर आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ और इन टूल्स को भी यहाँ पर मैं यूज़ कर आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये टूल्स भी कैसे यूज़ होते हैं। तो इसको यहाँ पर खोलते हैं, ये इसलिए यहाँ पर बंद होता है क्योंकि यार जब गाड़ी चलती है तो ये आवाज़ ना करे। आप लोगों ने देखा होगा जो SUV आती हैं बड़ी, उनमें नीचे लगा होता है, तो मेरे हिसाब से बात यार वही है, उतनी जगह घेरते हैं। तो देखते हैं यार इसको निकालते हैं, और तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर खोल लिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइट कसा हुआ था, इसको वापस मुझे कसना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इसका व्हील जो है निकाल के देखते हैं यार कैसा दे रखा है, कैसी क्वालिटी है इसकी। सो ये यहाँ पर हमारे पास निकल गया इसका। सो ये स्टूल से खुल जाता है जिससे आप लोगों के टायर के जो बोल्ट्स हैं वो खुलेंगे। सो इसको भी यहाँ पर हम साइड में रख लेते हैं। सो यहाँ पर अब हम व्हील निकाल लेते हैं, यार काफ़ी ज़्यादा भारी है यार व्हील। सो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है व्हील। सो ये यहाँ पर हमें व्हील देखने को मिल जाता है, ये जो है स्टील वाला, इसमें रिम नहीं दे रखा है, ये जो नॉर्मल रिम आते हैं गाड़ियों में वो दे रखा है यहाँ पर हिंडाई का, वो भी दे रखा है हमें बारकोड जो कि हम स्कैन कर सकते हैं। सो ये वाला जो टायर है उसमें लिखा हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर, जो है आप लोग 120 किलोमीटर पर ही चलाएं अगर आप लोग ये वाला पहिया लगाते हैं इसमें, जब तक आपका वो वाले जो टायर है उसको ठीक ना हो जाए। सो मेरे हिसाब से ये इसको जब आप जब भी आप ये वाला टायर लगाएं, स्टेपनी लगाएं दूसरी, तो यहाँ पर आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि इसको सिर्फ 100 पर ही चलाओ। 120 जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है, तो आप लोग इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना। सो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को खोल के दिखा दी हैं, अब इसको रखते हैं वापस और सबसे पहले देख लेते हैं कि यार ये हमें यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर जो है हमें कोई भी लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलती है। सो ऐसा यहाँ पर हमारा कंपार्टमेंट दिखता है। सो यहाँ पर एक पेपर भी, तो यहाँ पर हमारे पास पेपर भी पड़ा हुआ है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, PDI के बारे में लिखा हुआ है, PDI शीट है, यहाँ पर टूल किट को देखा गया है, फर्स्ट एड किट भी देख लेते हैं यार। फर्स्ट एड किट इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं, शायद फर्स्ट एड किट जो है वो आगे रखी हुई है, मैं वो भी देख के बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक फर्स्ट एड किट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर हमारे पास एक कार की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी एक बुकलेट देखने को मिल जाती है। इसको यहाँ पर हम लोग साइड में कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर हम खोल के देखते हैं, पूरा पैक है, तो इसको हम यहाँ पर फाड़ देते हैं। तो इसको फाड़ने के बाद देखते हैं, ये तो काफ़ी छोटा सा एक फर्स्ट एड बॉक्स मेरे को लग रहा है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा ट्यूब आ जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम है ये, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी दे रखी है यहाँ पर, इसको अलग कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इलास्टिक बैंडेज देखने को मिल जाता है जो कि खिंच जाता है, तो ये हमें इलास्टिक बैंडेज देखने को मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या चीज़ है, तो ये हमारे पास गौज़ वाला देखने को मिल जाता है हमें, ये थोड़ा सा फटा हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कटा हुआ दे रखा है जिससे फाड़ने में दिक्कत ना आए, तो ये नॉर्मल वाला लगा देते हैं जिसको वो वाला बैंडेज है, तो ये भी कोई ऐसी कुछ खास चीज़ नहीं है। फिर देखते हैं, एक नॉर्मल बैंडेज हमें देखने को मिल जाता है जो 2 रुपये का मिलता है मार्केट में। फिर हम बात करते हैं इसकी, जो कि एक पट्टी है, बहुत छोटी सी मतलब पट्टी दे रखी है, मतलब जैसे थोड़ा सा लगाने के लिए होता है जब काट देते हैं पट्टी को, तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एक। सो और ये हम देख लेते हैं ये क्या है, तो ये सारे जो प्लास्टर है ये वॉल प्लास्टर दे रखा है जो लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बैंडेज की तरह ही काम करते हैं, अगर बड़ी चोट है तो बड़े बैंडेज दे रखें, तो ये सारा कुछ हमें मिल जाता है। इसको मैं वापस रख देता हूँ, मैं होप करूँगा कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े कभी, बट ये आपकी गाड़ी में हमेशा पड़ा रहना चाहिए, जिससे कोई अगर कोई भी हादसा आपके आसपास हो जाता है या आपकी आपके साथ हो जाता है, तो आपके पास ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आपकी गाड़ी की RC में वेट कितना डला हुआ है गाड़ी का, तो यहाँ पर 981 kg का वेट डला हुआ है, और यहाँ पर मुझे अभी तक जो पक्की RC है वो नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर पेपर जो है ख़त्म हो गए हैं RTO में, तो वो भी मेरे को कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाएगा। और सेल्स अमाउंट यहाँ पर 7,60,000 डाल रखा है इन लोगों ने, 1.2 का इंजन के साथ है, मेरा एड्रेस वगैरह है, तो ये सारा कुछ आ जाता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इन्होंने दे रखा है, तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिल जाता है। मैं इसको यहाँ पर वापस रख देता हूँ।
यहाँ पर मैं आप लोगों से एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि हिंडाई ने मेरे को बताया था कि जिन गाड़ियों में जो नई गाड़ियाँ जा रही हैं हिंडाई से और जो सर्विस के लिए आ रही हैं फर्स्ट सर्विस के लिए, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। जो यहाँ पर हमें एक शील्ड ऑफ ट्रस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है हिंडाई से, जो कि मैंने 5,000 रुपये का लिया है। और इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या है। जो हाफ इंजन होता है जो नहीं शामिल होता है, आप लोगों को पता है जैसे आधे इंजन की यहाँ पर वारंटी देता है हिंडाई, तो बाकी का जो आधा इंजन है जिसमें क्लच प्लेट्स हैं और आपके ब्रेक शूज़ वगैरह हैं, बेल्ट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर अगर कोई भी 2 साल के अंदर ख़राब होती हैं तो आप लोग यहाँ पर दोबारा जो उसको फ्री में करवा सकते हो, डलवा सकते हो। तो ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील लगी और यहाँ पर टैक्स वगैरह कटा तो मेरे को 5,000 रुपये का पड़ा पूरा ये। सो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, इसमें मेरा एड्रेस वगैरह है, मैं उसको हाइड कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लिया है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, तो ये सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो ये चीज़ यार आप भी ले सकते हो, आप अपने हिंडाई के सर्विस सेंटर पे जाओ, उन लोगों को बोलो कि हमें भी ये चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार। और आगे प्राइसेज हैं, 8,000 रुपये का शायद 4 साल का मिल रहा था, आई डोंट नो, आप वो चीज़ देख लेना यहाँ पर। तो वो बहुत सारे यहाँ पर चल रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पर वापस रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं किट की बात कर रहा था और मैं किट में ये भूल गया, यहाँ पर इन लोगों ने अपना फ्रेगरेंस दे रखा है जिसमें इसमें शायद कॉस्टिंग भी लिख रखी है, जो कि 250 रुपये का इनका है। तो चलो ये भी वापस रख देते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर शामिल होती है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर भूल गया था, ये मड गार्ड्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं उसी किट के साथ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इतने ज़्यादा तो अच्छे नहीं है क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पूरी मिट्टी मिट्टी है गाड़ी में, तो इसका कोई भी काम नहीं है यहाँ पर, तो प्लास्टिक का टुकड़ा सा एक, मतलब इतना तो प्रोटेक्ट कर नहीं रहा है, वहाँ वहाँ तक पड़ी हुई है पूरी मिट्टी की। तो मुझे पता नहीं, यहाँ पर अभी तक पन्नी लगी हुई है, इसको भी यहाँ पर छुटा देते हैं बिल्कुल नहीं लग रही है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। और मैं यहाँ पर आप लोगों से मिलूँगा अगली बार।